लेकिन अब इस बात से सहमत नहीं है कि अगर आप बोलेंगे कि पौने 45 है और लोगों को बोलेंगे काम करने के लिए तो लोग हमारा बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि काम के बदले में उसको दाम चाहिए। और 45 करके आप जो ओवर टाइम हमारा कम कर रहे हैं, ये हमारे वेतन पे कुठाराघात कर रहे हैं आप। हमारे परिवार को हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारा आर्थिक बजट खराब हो जाएगा। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 51 घंटे कम से कम यहाँ रहने दीजिए। जब हमारा वर्कलोड ज्यादा आ जाएगा तो फैक्ट्री के अंदर में 54 घंटे चलाइए, जैसा कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड सरकार ने ऊटी बंद करने का ऑर्डर नहीं किया है, सरकार ने हमको काम नहीं दिया, ये एक हमारी अलग लड़ाई है, वो हम लड़ेंगे। लेकिन निर्माली के अंदर में ओवर टाइम कैसे चलेगा ये कौन तय करेगा, आपको मालूम होना चाहिए। एक्सक्लूशन सेक्शन के अंदर में तो सप्ताह पहले 54 घंटे ओटी चला, मेंटेनेंस में जो लोग काम करने आए थे, है क्या कुछ लोग? तो फिर किसके अधिकार में था ये? जीएम के अधिकार में था। फैक्ट्री तो 51 चल रही थी, लेकिन एक्सक्लूशन प्रेस हमारा ब्रेकडाउन था, उधर हमको ज्यादा काम, बराबर बोल रहा हूं, थोड़ा मैं भी जानकारी रख लेता हूं। तो हम जब काम करने आए, मेंटेनेंस में हमारा काम आया, तो जीएम ने निर्णय लिया कि 54 घंटा कर चलाएंगे। अब हम लेमेन है, हमको कागज का खेल समझता, हमको इतना समझता कि अगला जो पगार है ये मेरा कम होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारे जनरल मैनेजर की है और जनरल मैनेजर ने हमको 51 घंटे ओटी देना चाहिए, इस बात को लेकर हमारे। फिर एक बात अपने को ख्याल रखना है, सब युवा लोग है, बहुत यंगस्टर लोग है, अपने में जोश ज्यादा है, लेकिन जोश से काम होने वाला नहीं है, अपने को थोड़ा होश भी रखना है, क्योंकि यह आंदोलन जो है अपना सिर्फ एक ही दिन का नहीं है, अपना लंबा एक लड़ाई है। जैसा कि तीनों फेडरेशन ने तय किया है, सरकार को चेतावनी दिया है कि हमको हमारा वर्कलोड दो, तो 25 तारीख को सरकार ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जितने भी मेंबर है, 8 या 8 मेंबर को मीटिंग के लिए बुलाया है, तो उसकी रणनीति अपन बाद में तय करेंगे। 25 तारीख के बाद अगर अपने को वर्कलोड नहीं मिलता, वो रणनीति अपन बाद में तय करेंगे। लेकिन आज अपना चारों यूनियन ने तय किया है कि कम से कम जनरल मैनेजर ने कल जो फैक्ट्री ऑर्डर किया, हमारे 51 को पौने 45 घंटे कर दिया, इसका विरोध होना चाहिए, और उस विरोध के लिए हम जमा है। इसलिए हमारा जो मोर्चा रहेगा शांतिपूर्वक तरीके से रहेगा, नारेबाजी स्लोगन शाउटिंग रहेंगे, लेकिन हमारे मोर्चे को कोई गलत दिशा हमको नहीं देना है, हमको कोई तोड़फोड़ नहीं करना है, हमको काम में हेल्डअप नहीं करना है। नुकसान किसका होगा? हमारा। अपन यहाँ आए क्या नुकसान करने के लिए फैक्ट्री को? सरकार तो चाहती है, सरकार क्या चाहती है? मैंने तेरा सब बंद कर दिया, तू कल से काम बंद कर दे, फिर मैं दूसरे को काम ले जाके दे देता हूँ। तो ये भी सरकार की जो चाल है, इससे भी अपने को सावधान रहना है, अपना काम भी करना है शांतिपूर्वक तरीके से, अपना आंदोलन भी है। वहां जाने के बाद जो अपने प्रमुख नेता है वो जनरल मैनेजर के सामने में अपनी बात को रखेंगे और सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से उनकी बात को सुनेंगे। इसी प्लानिंग के साथ में अपने को सबको चलना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब जब मजदूर संगठित हुआ, जब जब उसने आंदोलन किया है, तो कितना भी बड़ा हिटलर हो, कितनी भी बड़ी सरकार हो, उसको मजदूर के सामने झुकना पड़ा। यही है वो अपनी फौलादी ताकत के बदौलत उस गोले को पिघलाता है, इसके बदौलत इस देश के अंदर में पूंजीपति राज करता है, इसके बदौलत इस देश के अंदर में पूंजीपति आगे जा रहा है। अब समय आ गया है अपने को भी अपना अधिकार मांगने का है। अब उन क्या मांगने जा रहे हैं? नया कुछ है क्या? नया कुछ मांग रहे हैं? उसके घर से मांग रहे हैं? अरे जब हम काम करने के लिए तैयार है तो काम नहीं दे रहा, इसके लिए तू फेल हो रहे। कल हमने उनको एक और सुझाव दिया कि अपने पास जितना वर्कलोड है, इसके अलावा एक्सक्लूशन फाउंड्री डाईकास्टिंग के अंदर में आप प्राइवेट का काम लाइए, रेलवे का काम लाइए, या प्राइवेट जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको हमारे काम की जो जरूरत है वो लेके आइए और फैक्ट्री के अंदर में हमारा काम करिए। उसको लेके भी जनरल मैनेजर ने पॉजिटिव अपने को बात की। तो बातचीत का दौर चालू है। आज का जो अपना विषय है कि जनरल मैनेजर ने जो अपना ओवर टाइम कटौती का जो निर्णय लिया है वो अपने को मंजूर नहीं है। बात को लेकर अपन वहां पे जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन अपना आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से रहेगा। ऐसा कोई काम मत करिए कि किसी को कोई भावना पहुंचे। 4 संगठन है, इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर में अन्य एसोसिएशन भी है,
तो आज का एक तुरंत अपना रिएक्शन था सोमवार के बाद, फिर हम लोग बैठ के फैक्ट्री के अंदर में ग्रुप बी ऑफिसर, चार्जमैन, क्लरिकल एसोसिएशन, सुपरवाइजर एसोसिएशन, इन साथियों को भी जमा करके एक शांतिपूर्वक फैक्ट्री के अंदर में आंदोलन चला के अपने अधिकार को हासिल करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है अपन अपने अधिकार को हासिल करने में कामयाब होंगे। यही शुभ इच्छा के साथ आप सभी को जय भीम करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। इस बात को लेकर अपनी लड़ाई है फैक्ट्री के अंदर, तो पिछले 50 वर्षों का इतिहास है। 50 वर्ष सबने बहुत धूमधाम से मनाया, परिवार के लोगों को लाके अपन ने इतना आधुनिक फैक्ट्री बताया, सब बहुत खुश हो गए। ऐसा ही दौरा फैक्ट्री के अंदर में रक्षा मंत्री का भी होता है, रक्षा राज्य मंत्री का भी होता है, डिफेंस सेक्रेटरी का भी होता है, और अन्य निर्माणियों से जो चेयरमैन से लेके जो दूसरे अफसर यहाँ आते हैं, मिलिट्री के अफसर जो यहाँ आते हैं, वो भी अपनी निर्माणी देखने के बाद उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि ऐसी फैक्ट्री हिंदुस्तान में नहीं है, ऐसा वर्क कल्चर दुनिया हिंदुस्तान के अंदर में नहीं नहीं है। फैक्ट्री अंबाजरी अपने आप में हिंदुस्तानी नहीं मल्टीनेशनल कंपनी की बराबरी करती है। जब हम मल्टीनेशनल कंपनी की बराबरी करते हैं, हम काम करने के लिए अगर तैयार है तो काम देना जिम्मेदारी ये सरकार का है, काम जिम्मेदारी देना ये जिम्मेदारी अपने जनरल मैनेजर। हम लोग कुछ देख रहे हैं ये दिमाग से निकाल दीजिए आप कि ऑल टाइम मेरा अधिकार नहीं है करके। ऑल टाइम मेरा अधिकार है, वो क्यों है? 50 साल से मैं अगर ओवर टाइम कर रहा हूं तो मेरा वो वेतन मान का एक भाग बन गया है। अब उस ओवर टाइम और मेरे वेतन मान के जरिए मैंने पूरा अपना आर्थिक बजट बना दिया है। मैंने कर्ज लिया, शिक्षा के लिए लिया, गाड़ी के लिए, बच्चे के लिए लिया, माँ बाप को मैंने पैसा भिजवाया। अगर उसमें मेरा ओटी के जरिए अगर कटौती हो जाता तो मेरा वेतन मान कम हो जाता। सिर्फ ओटी है उसके अंदर में कम होने वाला नहीं है आपका, उसका इफेक्ट आपके पीस वर्क के अंदर में पड़ेगा, उसका इफेक्ट जो इंसेंटिव में काम करते वो कर्मचारियों के ऊपर में पड़ेगा। मैनेजमेंट का कागज है, काम है कागज को काला और सफेद कर देने का और समझाने का कि मेरे पास में इतना काम है। तो कल चारों यूनियन वहां गए थे, हम चारों यूनियन के सामने मैनेजमेंट ने एक प्रपोजल रखा कि फैक्ट्री की परिस्थिति ठीक नहीं है, वर्कलोड अपने पास में नहीं है। लेकिन अपन जो लड़ाई लगातार कर रहे थे, खुशी की बात यह है कि सेल मशीन के अंदर में 40,000 का अपना ईआरएफबी का काम मिल गया। ये अपने लड़ाई के कारण हुआ, तो सेल मशीन की स्थिति दुरुस्त हो गई। अब आया पूरे फैक्ट्री का अपना नक्शा कि फैक्ट्री में क्या है, तो फैक्ट्री में सीसीएस का भी काम कम हो गया, कार्टेज केस, एक्सट्रूजन फाउंड्री के अंदर में काम है लेकिन उसके अंदर में 20 और 25 कर्मचारी ज्यादा है, सेल फोर्ज के अंदर में 101 कर्मचारी ज्यादा है, डायकास्टिक के अंदर में 20 कर्मचारी ज्यादा है। तो जो मोटा मोटा हिसाब मैनेजमेंट ने बताया कि 45 घंटे काम चलाने के बाद 40% पीस वर्क एवरेज आएगा, लेकिन ये 175 कर्मचारी जो ज्यादा है इसको मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल और क्यूसी ग्रुप में ट्रांसफर करेंगे। हमने बोला हमको कोई इतराज नहीं है, हम काम करने आए, अगर हमारे पास में किसी कारणवश काम अगर नहीं है हम लोग आपके साथ में है, करिए आप काम, काम के लिए नहीं है, चार दियारी के बाहर हम लोग जा रहे नहीं है, हम इधर ही काम करेंगे। एक प्रपोजल को अपन ने मंजूरी दी। अब मैनेजमेंट बोलता है कि मुझे 45 घंटे काम करना है, जैसे उसने बोला हमने सबने उसका विरोध किया, ये बात आपकी हमको मंजूर नहीं। आप सहमत है सब इस बात से? नहीं। काम कहीं भी करने के लिए हम लोग सहमत है, लेकिन हमारा वेतन मान कम होना नहीं चाहिए। ये काम तो आज इधर है उधर नहीं है, ये तो चलते रहेगा और ये आज के लिए कोई नवी बात नहीं है, लेकिन वेतन मान कम हो जाना ये 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, इसलिए हम वेतन मान हमारा कम होगा इससे सहमत नहीं है। आपने जैसा हमसे अपील किया कि कर्मचारियों को बोलिए कि परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अपन ने काम करना